इंदौर बैतूल NH-59 हादसों का हाईवे बनता जा रहा है। सप्ताह में 3 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार सुबह दशहरा मैदान में समीप एक ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें विकास पिता विजेंद्र, विशेष पिता पूनम चंद दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शवों को PM के लिए सिविल अस्पताल भेजा, जहाँ PM के बाद उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया। यहाँ यह ज्ञात रहे कि इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर रेत के डंपर और अन्य भारी वाहन यमदूत बनकर दौड़ रहे हैं, जिससे कई लोग असमय काल के गाल में समाते जा रहे हैं। एक सप्ताह पूर्व खाते गांव से मोनू गर्ग और उनके पिता सुरेश गर्ग को रेत के डंपर ने टक्कर मार दी थी, जिससे सोनू गर्ग की मौके पर ही मौत हो गई थी, तथा उनके पिता सुरेश गर्ग आज भी इंदौर के मुंबई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। देवास जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को अंधगति से दौड़ रहे भारी वाहनों की गति पर रोक लगानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके, वरना कन्नौत खातेगांव क्षेत्र के नागरिकों को मौत बनकर दौड़ रहे डंपर एवं भारी वाहनों के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा। कन्नौत से कमल गर्ग की रिपोर्ट। आज सुबह जो है करीब 4 बजे ही घटना है, और सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक से 2 लोग मर गए हैं और रोड पे जो है वो लाश पड़ी हुई है। सूचना पर हमारे जो गश्त अधिकारी थे रवि वर्मा और ए सईद तिवारी और जो आरक्षकगण थे, उनको मैंने तलब किया और तत्काल घटनास्थल पहुंचा, और वहां देखा तो 2 लाशें पड़ी हुई थी और डंपर भी खड़ा हुआ था। मौके पर से डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और लाशों को हॉस्पिटल लाके मच्छर में रखा गया, और बाद में उनके बैग से जो है वो आधार कार्ड निकला, उसमें उनका नाम अभिषेक, पिता पूनम चंद निवासी चक्रवर्ती रेहटी सीहोर का रहने वाला है, दूसरा विकास पिता विजय निवासी रेहटी सीहोर का रहने वाला है। और उन लोगों को हमने सूचना दी और उनके परिजन करीब 11 बजे आ गए थे यहाँ पे, उनका PM करा के और उनको सपोर्ट कर दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।